सोलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहे हैं पोको एम सिक्स प्लस 5G फोन के बारे में। इस स्मार्टफोन के अंदर अगर आप लोग चाहते हो अपने फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को करना, जैसे कि आपके पास किसी भी नंबर से कॉल आते हैं या अननोन नंबर से कॉल आते हैं, तो उस नंबर पर आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हो ऑटोमेटिक, जो कि यहां पर आपके फोन में कॉल आते ही आपका ऑटोमेटिक से कॉल रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा पोको के एम सिक्स प्लस 5G फोन के अंदर। तो फाइनल दोस्तों, इसी के बारे में आप लोग को डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने लगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, पोको के एम सिक्स प्लस 5G फोन के अंदर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को यूज करने के लिए फाइनली अपने फोन के सेटिंग के अंदर या अपने डायलर को यूज करना है। अब डायलर आपको यहां पर मिल जाता है ऑफिशियल पोको का या सोमी का डायलर होगा, तो यहां पर आपको मिल जाती है, जो कि सोमी और रेडमी एंड पोको एम सिक्स प्लस इन सभी डिवाइस सेम कंपनी एंड सेम UI मिलती है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग यूज कर पाओगे। तो यहां पर आपको मिल जाते हैं कंप्लीट यहां पर डायलर, एंड ये जो डायलर मैंने यूज कर रखा हूं, जैसे कि मैंने इसमें चलता हूं 198 पर कॉल करके आपको दिखाता हूं। अब मैंने 198 पर मैंने कॉल करने के लिए गया, तो यहां पर देखोगे तो हमारे फोन में ऑटोमेटिक से कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं है आप लोग को दिख रहा होगा, यहां पर हमारे फोन में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन हो रहा है, देख सकते हो। यहां पर सेकंड भी आपको चलता हुआ देखने को मिल जाता है, यहां पर हमारे ऑटोमेटिक से कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा आप लोग को दिख रहा होगा। अदरवाइज आपके फोन में अगर रही इनेबल है पहले से, अगर आप लोग यूज करना चाहते हो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को, तो फाइनली इसके लिए दोस्तों आपको कैसे इनेबल करना है मैं बताता हूं। इसे इनेबल करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, फाइनली आपको इसी डायलर के अंदर एक कॉर्नर में सेटिंग आपको दिख रहा होगा, अब उस वाले सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे सेटिंग पे क्लिक करोगे, आपके फोन में फर्स्ट नंबर पे मिलता है पहले मोबाइल नेटवर्क, दूसरे नंबर पे आपको मिल जाता है कॉल रिकॉर्डर, एंड कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे एंड इसके अंदर आपको मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन, ऑन कर लेना है। उसके बाद रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिक, इसको भी आपको इनेबल कर लेना है। अब यहाँ पर ऑल नंबर्स पे आपको इनेबल कर लेना है, सब्सक्राइब यहाँ पर ऑल नंबर्स पे अभी आपको रख लेना है। तो इस तरीके से पोको के एम सिक्स प्लस 5G फोन के सेटिंग के अंदर से आप लोग ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को कर पाओगे। अब यहाँ पर इस चीज को इनेबल करने के बाद, जैसे कि मैंने इन सभी को इनेबल नहीं किया है, बंद कर दिया है। अब जैसे कि मैंने बंद करने के बाद चलता हूँ अपने फोन के डायलर के अंदर। अब इसी नंबर से मैं एक बार फिर से कॉल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया है, जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉल किया है तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कॉल कर लिया, तो मेरे फोन में देखोगे तो ऑटोमेटिक से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कंप्लीटली दिखा होगा स्क्रीन पे, लेकिन नहीं हो रहा। अब मैं इसे ऑन करूंगा तब मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा, अदरवाइज बंद करूंगा तो नहीं होगा। तो यहां पर मैंने बंद किया तो बंद हो जाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों, इस चीज को ऑन करके दिखाता हूं। जैसे ही अपने अपने फोन के कॉर्नर पे आते हो, सेटिंग मिलता है, सेटिंग पे क्लिक करते हो एंड उसके बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना है। तो पहला नंबर आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को ऑन करना है एंड उस वाले ऑप्शन को ऑनेबल कर लेना। अब दोस्तों, इसे ऑन करने के बाद आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को फिर से। तो देख सकते हो मैंने यहां पर करने के लिए गया और यहां पर हमारे कॉल रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीटली सेकंड आपको चलते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग पोको के एम सिक्स प्लस 5G फोन के अंदर अपने फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हो और आसानी से तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों, जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो कहां पर सेव होगी। तो फाइनली कुछ लोग होते हैं झूठ नहीं पाते, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कहां पर मिलती है कंप्लीटली डिटेल के साथ। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग कर रखा है पहले से, तो आपके फोन में एक ऐप होता है कॉल रिकॉर्डर का। तो दोस्तों, यहां पर जो कि वॉइस रिकॉर्डिंग का एक ऐप आता है आपके फोन में, मैं यहां पर दिखा देता हूं वॉइस रिकॉर्डिंग का ऐप कहां पर है, तो आपको दिखा देता हूं, जो कि इसमें थोड़ा ढूंढना पड़ जाता है क्योंकि मिल जाता है कंप्लीटली वॉइस रिकॉर्डर का ऐप रहता है। तो मैं यहां पर आकर दिखाता हूं, जो कि नीचे स्क्रॉल करके हम जाएंगे और हमारे फोन में वॉइस रिकॉर्डर का यहां पर एक ऐप मिल जाती है। तो और नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें कोई भी ऐप शो नहीं कर रहा, देख सकते हो कोई भी वॉइस रिकॉर्डर का ऐप शो ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम देख कर चेक कर लेते हैं, मिल चुका। तो ये रिकॉर्डिंग वाले ऐप को ओपन करना है, जैसे ओपन करोगे आपके फोन में जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग हुए हैं यहाँ पर देख सकते हो, देख सकते हो।
तो यहां से आप लोग सुन भी पाओगे एंड इस कॉल रिकॉर्डिंग फाइल को, अदरवाइज आप लोग को बेटर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को करना चाहते हो तो अपने फोन में आसानी तरीके से कर पाओगे पोको के यम सिक्स प्लस 5G फोन के अंदर, एंड यूज एक्सपीरियंस भी बेटर आपको मिल जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता। अदरवाइज आप लोग पोको का यम सिक्स प्लस 5G फोन यूज करो तो अपने फोन के सेटिंग के अंदर आप लोग जाकर अपने कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हो, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इंटरेस्ट कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर भी तक से एंटेस्कोडी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाबा दोस्तों।